हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो बस सब बढ़िया हो गए। तो आज का दिन काफी सुहाना है। फिलहाल तो शाम हो रही है, वैसे मैं बता दूं गुड मॉर्निंग, मैं मतलब गुड मॉर्निंग एक ऐसा वर्ड है जो व्लॉग की शुरुआत करने के लिए यूज होता है, तो इससे आप जज नहीं कर सकते कि गुड मॉर्निंग हो रही है उस टाइम पे, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, ये आप जज नहीं कर सकते। बट फिलहाल आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा जो हमने पहले बहुत पहले व्लॉग डाला था ना, थार और हमारे ऋषभ पंत और हमारी थार का कनेक्शन, तो हाँ उसी व्लॉग के बारे में है, उससे रिलेटेड ही है। क्योंकि आपने देखा होगा ऋषभ पंत की जो जर्सी का नंबर है वो है 17, और हाँ गाइस हमारी जो थार का नंबर होने वाला है वो भी होने वाला है 1717, यानी 1717 2x17 रिपीटिशन में। तो भाई ये है हमारा VIP नंबर, अब इसे कह नहीं सकते, कुछ बहुत तगड़ा नंबर है गाइस। तो आज वही नंबर हम लगवाने जाने वाले हैं अपनी थार में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का दिन, क्योंकि ये है हमारी गाड़ी की पहचान, आन बान शान। तो चलो चलते हैं, अभी अपनी थार में बैठते हैं। देखो पीछे खड़ी है। सो गाइस मैं थार यहाँ खड़ी है, अभी पापा ने थार खोल तो लिया, अभी अंदर चलते हैं और बस निकलेंगे। तो थार को बाहर आने दो। सो गाइस यहाँ पे मैं ले आया हूँ नंबर आपको दिखाने के लिए। ये हमारी थार का नंबर, ये देखो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, खुद ही हम अपने हाथ से रिवील कर रहे हैं। और यहाँ पे बैठे हैं पापा, जिनके साथ मेरा एक बहुत तगड़ा प्लान भी बना है, वो हम आपको बाद में रिवील करेंगे। याद है ना पापा प्लान? हाँ, पक्का पक्का। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, नंबर तो दिखा दिया मैंने, अभी फिलहाल चलते हैं मौसम को एंजॉय करते हुए। तो बड़ी खतरनाक चीज थी, वहां पर डायरेक्ट घुस गई इसके अंदर। वो एक्चुअली लॉक हो गई है नंबर प्लेट। अच्छा, उससे नहीं कर सकते थे हथौड़े से? नहीं, वो पहले होता था कि पेच कस दे जाते थे, अब नहीं करते हैं। ये तो बड़ी तगड़ी चीज है, पूरी घुस गई अंदर। सो गाइस इस शॉप से हमने करवाया अपनी नंबर प्लेट लगाई थार में, तो अब ये जगह भी हमें हमेशा याद रहेगी। किसी को अपने घर पे भी लगवाना हो तो आ सकते। ये देखो जैसे शर्माज, सिंगल्स, सक्सेनाज, ऐसे टाइप। सो गाइस हमने थार में नंबर प्लेट तो लगवा ली, अभी फिलहाल वापस जा रहे हैं घर। और इतना अच्छा लगा ना वो देख के, जो भाई वो हथियार से डर लग गया मुझे देख के, ऐसे ऐसे भज भज करके घुसा दिया अंदर। भाई मैं पर सोच रहा था कि हथौड़ा की न्यूज है, वो हमने पापा से जान लिया कि क्यों, रीजन क्या था। तो चलो वापस चलते हैं घर। सो गाइस आजकल आप में से एक भी नहीं कह रहा था कि गोल्डी आजकल व्लॉग में नहीं दिख रहा है। सॉरी मजाक कर रहा हूँ गाइस, आप लोग कह रहे थे कि गोल्डी आजकल व्लॉग में नहीं दिख रहा, तो आ चुका है यहाँ पे गोल्डी। आजकल गाइस गोल्डी थोड़ा बिजी आदमी हो गया, अपना आईपैड में लगा रहता है। आप भी? मैं कहाँ भाई। गाइस मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, और आपको पता ही होगा मैं व्लॉग में भी दिखाता हूँ, आप लोगों के साथ ही रहता हूँ मैं पूरे टाइम। मैं तो पढ़ाई करता रहता हूँ, मैं आपको व्लॉग में भी दिखाता हूँ ज्यादातर। और यहाँ पे गोल्डी भी आ चुका है, जी का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे एक शॉट की शूटिंग करने आए थे पार्क में, तो वो हमारी हो चुकी है कंप्लीट, और काफी तगड़ा शॉट निकला है, वो आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पे ही। तो हाँ स्टे ट्यून्ड। और हाँ फिलहाल गोल्डी को पता है पापा और मैं गए थे थार का नंबर लगवाने, पता है लगवा लिया, पता है कौन सा नंबर है? 1717 देखो याद है। ओ बड़ा तेज हो रहा है। यूके? हाँ यूके 07। तो चलो गाइस फिलहाल तो हमने सारे काम निपटा लिए, मतलब आज के, और मेरा पूरा वीकेंड काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि सारे काम जो भी करने थे वीकेंड में वो पहले ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि नंबर भी लगवा दिए थार में। और हाँ मतलब होमवर्क तो रह गया, ऑब्वियसली बात है, मतलब वीकेंड पे मैम ऐसा होमवर्क थोपती है ना कि ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, ये भी कर लेना, भाई क्या बताऊँ। तो तुम्हारा क्या काम है गोल्डी, वीकेंड पे कुछ करना है तुम्हें? हाँ बहुत कुछ करना है भाई। वसुधा? वसुधा अरे वो तो हॉलीडे होमवर्क का वसुधा रह गया था।
हाँ गाइस, गोल्डी ने अभी तक अपना हॉलीडे होमवर्क वाला प्रोजेक्ट नहीं मिलता है एक साइंस में, वही कंप्लीट नहीं करा है। ज्यादातर लोगों को मेरे को पता है कौन सा मिलता है, आप में से कई लोगों को वाला मिला होगा सीड डालने का, नहीं तक सीड की वो जर्नी लिखनी है कैसे बड़ा हुआ। गोल्डी देखो क्या मिला है, इसको तो कुछ प्रोजेक्ट बनाने का मिला है, वो तो कुछ एक्टिविटी होती है ना ऑब्जर्वेशन वाली बतानी होती है। तो तुझे क्या करना है जरा, नहीं पता खोल के भी नहीं देखो, नहीं पता देखो क्या करना है। सो गाइस आज हमारे साथ है गोल्डी, वैसे तो रोज ही होता है, तो अभी डिनर कर लेते हैं, फालतू बातें को साइड रखते हैं। यहाँ पे हमारे साथ है हमारे खाने में अरबी और आलू की गुट के साथ में यहाँ पे रोटी के साथ बटर है। तो क्या ख्याल है आपके इस खाने के बारे में? बढ़िया बढ़िया हो रहा है गाइस। गोल्डी के दूध पीने का नया स्टाइल देखो, ये पता नहीं कैसे पी रहा है अजीब तरीके से, देख बहुत क्रिंजी लग रहा है, बंद कर दे इसे। सो गाइस अभी हो चुकी है फ्राइडे की रात, यानी मेरे पे पूरे के पूरे दो दिन बचे अपने मजे करने के लिए। तो अभी मैंने पहले जो पढ़ाई थी मेन वाली वो मैंने निपटा दी अभी रात को बैठ के, मतलब मैं फिजिक्स पढ़ रहा था इतनी देर से, मेरा वो कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा बहुत काम जो था। तो फिलहाल मैं चेस खेल रहा हूँ, मतलब फ्री फायर तो खेल नहीं सकता क्योंकि मेरा पापा के नेट से चलता है और ज्यादातर मेरा वो मन भी नहीं करता ज्यादा खेलने का, मैंने एक हफ्ते से खेला भी नहीं है, 10 days या 12 days से मैंने खेला भी नहीं है। तो फिलहाल मैं चेस खेल रहा था भाई, अलग शौक चढ़ी है मेरे को। मैं गूगल क्रोम नहीं होता, आईपैड का क्रोम तो सफारी होता है, मतलब समझ रहे हो गए, सफारी पे मतलब चेस खोल के अपना मजे से खेलता रहता हूँ। तो आपको भी दिखाता हूँ, ये देखो गाइस मैं यहाँ पे चेस खेल रहा था और जीत गया मैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इसमें गाइस मेरा स्कोर भी दिखाता है, तो देखो मेरा स्कोर 368 है और सामने वाले का था 380 स्कोर, तभी भी मैंने उसे हरा दिया। मेरी IQ देख ही रहे हो गए आप लोग। तो गाइस अभी तो हो रहा है रात के 10:51, जैसे मैंने अपने आईपैड में आपको टाइम दिखाया ही था चेस खेलते हुए। तो चलो फिलहाल तो मैं थोड़ी देर खेल लेता हूँ, उसके बाद जाऊंगा सीधा सोने क्योंकि 11 तो बज चुके, मम्मी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी सोने के लिए इनवाइट देने मुझे कि सो जाओ बेटा, तुम्हारे लिए इन्विटेशन भेजना पड़ेगा। ये वाली लाइन फेवरेट होती है ज्यादातर मम्मियों के कमेंट में बताना। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ सोने, तो अगर आप आज का व्लॉग पसंद आया कर देना लाइक, चैनल बने कर देना सब्सक्राइब, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम, क्या था आज आई गांधी जयंती थी, नहीं आज था हम, मेरे को वो बात याद आ चुकी फाइनली। तो गाइस हमने वो अब गए चुप तो रह ले, हाँ ये कर लो पहले।